हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। गर्भ धारण करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चेदानी का मुंह का खुलना। महीने में दो टाइम ऐसे होते हैं, यानी कि दो बार आपकी बच्चेदानी खुलती है, जिस टाइम में एक समय बहुत ही ज्यादा खास होता है, जिस दौरान आपको संपर्क में आना है और आपका गर्भ धारण जरूर होता है। महिलाओं को इस चीज की नॉलेज ही नहीं होती है, जिससे कि समय पर वो संपर्क में आए और उनका गर्भ धारण करने में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक को कवर करने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, किसी भी चीज की अगर आपको एजुकेशन नहीं होगी या उसकी नॉलेज नहीं होगी तो उस चीज को आप इजीली नहीं पा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव करनी है और आपको रिलेशन कब मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए और कब गर्भ धारण होता है, कब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको प्रॉपर तरीके की नॉलेज मिलेगी। होम रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको नेचुरल तरीके से बेबी को कंसीव कराने में हेल्प कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चेदानी कब खुलती है? मान लीजिए अगर आपका पीरियड साइकिल 28 टू 30 डेज का है। काफी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या रहती है तो उनका पीरियड साइकिल जो है वो लॉन्ग जाता है, काफी महिलाओं को शॉर्ट भी रहता है। तो ऐसे में आपकी बच्चेदानी कब खुलती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ लक्षण ऐसे आपको इस दौरान दिखाई देंगे जिसमें आपको संपर्क में आना है। बच्चेदानी मेनली आपके महीने में दो बार खुलती है। फर्स्ट, जब आपको पीरियड्स आने होते हैं, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह से ही आपके सर्विक्स से पीरियड्स का जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। सेकंड, मिडल ऑफ द पीरियड्स, मिडल ऑफ द मंथ्स, यानी कि अगर 28 टू 30 डेज का आपका पीरियड साइकिल है तो पीरियड आने से 14 दिन पहले, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपको पीरियड हर महीने 28 डेज पे आते हैं और एक तरीके को आपको पीरियड्स आए तो 13, 14, 15 को आपको ओवुलेशन होगा, उस दौरान आपकी बच्चेदानी खुली रहती है। लेकिन महिलाओं के मन में एक प्रश्न रहता है कि हमें थायराइड है या हमारे 1.5 महीने में पीरियड्स आते हैं या 40 डेज में पीरियड्स आते हैं, 35 डेज में पीरियड्स आते हैं, तो हमें कैसे कन्फर्म होगा कि हमारा ओवुलेशन कब होगा, बच्चेदानी का मुंह कब खुला है? क्योंकि यही एक सही समय होता है जिसमें आप संपर्क में आती हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका गर्भ धारण होता है। 24 घंटे भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब जिस इन बिटवीन जितना टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते हैं उसके बाद 10 to 15 मिनट्स में ही अंडा और स्पर्म आपस में मिल जाता है। तो इसके लिए कैसे आप अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स को नोटिस कर सकते हैं और उसी दिन उसी रात को आपको रिलेशन मेंटेन करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको ओवुलेशन होता है एट दैट टाइम आपको स्टिकी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, जो चिपचिपा होता है, अगर आप उसे ऐसे करेंगे तो एक तार सी बनती है जो टूटती नहीं है, जो कि अंडे का जो बाहरी ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है दिखने में वैसा होता है और उतना ही मतलब उसे थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, उसे थोड़ा सा कम पतला होता है, जो आपके ओवुलेशन की तरफ इशारा करता है कि अब अंडा फूट चुका है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिलेशन मेंटेन करना है, नहीं तो उसके बाद अंडा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और वही रूटीन में आपको पीरियड्स आ जाएंगे। और जब अंडा खराब हो जाता है उसके बाद भी आपको लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि आपको डिस्चार्ज अब बंद हो जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद पीरियड्स का पेन स्टार्ट हो जाएगा, ये सब आपके अंडा खराब होने की ओर संकेत करते हैं। दूसरा आपको नजर आता है, आपकी बच्चेदानी उस दौरान में काफी सॉफ्ट नजर आती है, वहां पे काफी नरमी और काफी हाइड्रेटेड आपको अपनी बच्चेदानी नजर आती है, ठीक है। लेकिन इसको आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है, आप डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं या ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि ओवुलेशन डे हुआ या नहीं हुआ तो सबसे अच्छी चीज है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को आपको नोटिस करना है जिसके बाद आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो इस समय आपको ओवुलेशन होता है, गर्भ धारण की जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर आप अपना ओवुलेशन डे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपका ओवुलेशन डे कब है। और किसी और टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर्टिकुलर वीडियोस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाकर दूंगी जो कि आपको हेल्प कर सकती है बेबी कंसीव करने में। और अगर आपको बेबी कंसीव हो चुका है तो प्लीज अपने सक्सेस स्टोरी हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आप जैसे और भी काफी महिलाएं हैं जो आपकी स्टोरी सुनने या पढ़ने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेट होंगी, तो
आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।